प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। आदि अनंत महादेव भगवान शिव निष्कल यानी निराकार हैं। उनका न कोई स्वरूप है और न ही आकार, इसलिए वे निराकार हैं। केवल शिव ही निराकार लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। भोलेनाथ ही ऐसे भगवान हैं जो शिवलिंग के रूप में इस धरती पर विद्यमान हैं। आदि और अंत न होने से लिंग को शिव का निराकार रूप माना जाता है, जबकि उनके साकार स्वरूप को भगवान शंकर मानकर पूजा जाता है। भगवान शिव महारहस्यों से भरे हुए हैं। शीस गंग अर्धंग विराजे, भगवान शिव के शीस पे माता गंगा विराजमान है। भगवान शिव के गले में काल रूपी नाग विराजमान है। त्रिशूल तीन भुवनों का मालिक भगवान शिव त्रिशूल लेकर के एक अद्वितीय रहस्य है। मृग चर्म इनका एक अद्वितीय रहस्य है। कैलाश पर्वत पे बैठ करके सभी जन को सुख देने वाले भगवान शिव, निश्चित रूप से इनका पूरा जीवन रहस्यों से भरा हुआ है और ये रहस्य निश्चित रूप से इनके भक्तों के लिए कल्याणकारी होते हैं। यूं तो भगवान शिव के रहस्य को समझ पाना इंसान के वश में नहीं है, लेकिन वेदों पुराणों और जानकारों ने शिव के बारे में जितना कुछ भी बताया है वो सब शिव के लिंग रूप का अद्भुत रहस्य है। शिवलिंग का अर्थ है शिव का आदि अनादि स्वरूप। शिवलिंग साकार और निराकार ईश्वर का प्रतीक मात्र है। भोलेनाथ ही समस्त जगत के मूल कारण माने जाते हैं, इसलिए शिव मूर्ति और लिंग दोनों रूपों में पूजे जाते हैं। तो आइए जानते हैं अद्भुत शिवलिंग का रहस्य क्या है। यह संपूर्ण सृष्टि बिंदुनाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति हैं और नाद शिव, यही सबका आधार है। शिव का संयुक्त रूप ही तो शिवलिंग में अवस्थित है। बिंदु यानी ऊर्जा और नाद यानी ध्वनि, यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। शिव महापुराण में आता है, एक बार ब्रह्मा और जो विष्णु जी को अभिमान हो गया था कि कौन श्रेष्ठ है। भगवान शिव जी के पास दोनों लोग आते हैं। भगवान शिव जी ने कहा, ये जो विशाल लिंग आप देख रहे हैं, इस लिंग का आदि अंत आप जो पता लगाएं। भगवान ब्रह्मा जी ने कुमुदिनी नामक पुष्प को ले आकर के शिव जी से झूठ बोले। वहाँ पे उनको श्राप मिला था कि आज से आपका पूजन नहीं होगा, और कुमुदिनी पुष्प को वहाँ पे श्राप मिला था कि आप अच्छे पुष्प हो फिर भी देव पूजा में ग्राह्य नहीं होगे। तब भगवान शिव से अनुनय विनय ब्रह्मा जी करते हैं, और उस अनुनय विनय से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने ब्रह्मा से कहा कि यह जो है शिवलिंग का आकार है, इसकी तुम जो है पूजा पाठ यदि आप संपन्न करोगे तो निश्चित रूप से इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार से पहली बार इस संसार में शिवलिंग की पूजा निश्चित रूप से ब्रह्मा जी ने किया था। यही शिवलिंग का निश्चित रूप से शिव महापुराण में रहस्य है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।